आज लग नहीं रहा पोलियो जो हमने अभी सुबह देखी और कल देखी वो नहीं दिख रहे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की जो सुबह है, खूबसूरत सी सुबह, वो इस खूबसूरत से नज़ारे के साथ, मतलब मेरी मौसी के घर से जो इतने खूबसूरत से आप देख रहे हो ना, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से। और सच बता रही हूँ, सुबह जो मॉर्निंग हुई ना, बाहर जाने का इतना मन कर रहा था देखने का, क्योंकि जब हम आए थे तो उस टाइम पर रात थी। और सुबह सुबह यहाँ से जब हमने देखा ना, तो इतना प्यारा लग रहा था व्यू। और सामने बिल्कुल बर्फीले पहाड़ देखते हैं, जो कि अभी नहीं दिख रहे हैं क्योंकि अभी जो है वहाँ पे कोहरा है। तो जब वहाँ पे क्लियर हो जाएगा ना, तो पहाड़ दिखते हैं वहाँ से, बर्फ वाले हिमालय। बहुत बहुत ही सुंदर सा नज़ारा दिखता है। तो आज की खूबसूरत सी सुबह यहाँ से, और ब्लॉग की स्टार्टिंग भी यहीं से कर रही हूँ। अभी जा रही हूँ मैं छत में, अभी तो मैं नीचे वाले फ्लोर पे ही थी, अभी हम लोग जा रहे हैं छत पे। मतलब सोनू पहले से ही वहाँ पर है और हल्की हल्की धूप सी आ रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर हल्का सा ठंडा है सुबह शाम। तो धूप जो पड़ती है ना, बहुत सुंदर लगता है। ये मेरी मौसी ने कुछ प्लांट्स लगा रखे हैं जो बहुत प्यारे लग रहे थे। तो एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा ठंडापन है, तो यहाँ पर जो फूल वगैरह है मैंने देखे रास्ते में ना, बहुत सुंदर सुंदर रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छा सा मतलब ऐसे तेज धूप नहीं मिलती है, तो इस वजह से। और यहाँ पर देखो सूर्य देवता भी निकल चुके हैं पहाड़ों के बीच में से, इतना प्यारा लग रहा है। लेकिन मैं बार बार यही बोलूंगी कि कैमरा पे जो चीज़ दिखती है ना, वो सच इतना नहीं होती, क्योंकि सामने से देखो बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा था सच में। तो सोनू भी यहाँ पर अपना व्लॉग वगैरह कर रही है, और मौसी के यहाँ पर आप देख रहे हो ये कुछ प्लांट्स लगा रखे हैं बहुत प्यारे से। यहाँ पर ये तुलसी माता का बना रखा है अलग से ही, सेपरेट, बहुत प्यारा लग रहा था। ये बद्रीनाथ की तुलसी आई थिंक, तो बहुत अच्छे से ग्रो कर रही थी ये। तो आपसे बताना आपको यहाँ का व्यू कैसा लगा। कुछ बहुत ही अच्छा, बिल्कुल घर से जो आप सामने देख रहे हो ना, घर से निकलते ही हॉस्पिटल है। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की मॉर्निंग बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों से, ये देखो, और दो पहाड़न है, और ये दो पहाड़न पहाड़ में। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का वेदर, मतलब ठंडा है लेकिन अच्छा लग रहा है। और हमने मेहंदी रात को लगाई थी, ये वाली बैग में तो दिख नहीं रही है अभी, सोनू ने भी लगाई है, और साथ में तो ऐसे सिंपल मैंने लगा रखी है। और इस टाइम पे इतना अच्छा धूप में लग रहा है ना, क्योंकि हल्की हल्की सी ठंडा हो रहा है यहाँ पर। और अब बस हल्दी हाथ का जो प्रोग्राम है ना, वो स्टार्ट होने वाला है। और सामने व्यू इतना अच्छा लग रहा है ना, लेकिन अभी पूरा का पूरा वहाँ पर कोहरा छा रखा है, वो देखो। तो जब ये बिल्कुल क्लीन होगा तो बिल्कुल वहाँ पे जो है ना वो दिखेंगे। आशीष स्वेटर पहन करा बेटा, मैंने स्वेटर पहनी हुई है, मैंने भी पहना नहीं, अपना जैकेट पहन कराओ जा। तो ये बच्चे भी उठ के, इनको स्वेटर वगैरह देती हूँ मैं। अच्छा है, तो हम लोग ने चाय चुई पी ली है, और मम्मी भी इधर दिखाई, ये देखो मैं कह मम्मी भी आ गई है इधर, अच्छा लग रहा है ना। तो बस मौसी के घर में आए, फर्स्ट टाइम ही देखा, काफ़ी अच्छा मौसी ने घर बना रखा ना, मतलब ऐसी जगह में बहुत सुंदर, मतलब ऐसा हम वहाँ देखते हैं देहरादून में घर, उनसे भी बहुत बढ़िया घर बना रखा है, अच्छा बना रखा है। स्वेटर दिखा और दोस्तों में जुकाम भी लगने लग गया। तुम्हारा स्वेटर दिखाते हो, कहाँ से दिखाओगे, ये क्या उड़ रही है मम्मी, ऐसे दिखा देगी। तो ये देखो दोस्तों, हमने स्वेटर पहन लिया है, और एक एक स्वेटर लेकर आना पड़ा हमें, उधर सोनू ने भी पहन ली। इसको ज्यादा जरूरत थी क्योंकि इसके नाक मेरे को ना नाक में हो रही दिक्कत, मैं नीचे भी लेटी थी ना, तुम तो बिस्तर में सो रखे थे। नहीं नहीं सुनो, गद्दा ऐसे नहीं है, लेकिन नीचे तो नहीं, मतलब मम्मी जैसे कि नीचे मैं उसमें लेटी हूँ फर्श में। अरे उसकी तो थोड़ी जो ठंडा होती, डबल ले लू आज, तुम नीचे सोई, डबल गद्दे ले लियो। वैसे जगह की प्रॉब्लम नहीं थी, अच्छे से सो गए थे। अभी तो रात को 2 बजे कितने लोग आ जाते हैं, 2:30 बज गए थे। तो बस हम लोग नहाएंगे और रेडी होंगे उसके लिए, हल्दी हाथ के लिए रेडी हो जाएंगे। और दीदी भी आ गई हैं,
दीदी इसको लेकर आई, नित्या को लेकर आई दीदी, ये हमारी पूनम दीदी। अरे तो छुपे ऐसे हो रखे, हमारे फुफड़े भी ऐसे हो रखे। सुबह सुबह का आई, हाँ ये सुबह सुबह का मामा जी रखे, प्रणाम हो रहा है। सूर्य भगवान आ गए, ऐसी कृपा बना रखी है। कैमरा मैन, कैमरा मैन इधर देखो, इधर से पीठ दिखाते हैं, वही तो घूम गया उधर पीठ। अरे हेलो, क्या हाल है? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। वो देखो सामने सरकारी क्वार्टर दिखाई दे रहा है। तो आधा पौना घंटा हम लोग छत में रहे, खूब इंजॉय करा मामा लोगों के साथ, और उसके बाद रूम पे आ गए। तो ये वाला जो रूम है ये अंकित का, मतलब मेरे मौसी के छोटे वाले बेटे का रूम है ये। तो यहाँ पर सोनू और मैं रुके हैं, मतलब सबको सेपरेट रूम दिए हैं सबके लिए, क्योंकि मौसी के घर में बहुत सारे बेडरूम्स हैं, तो ऐसे कुछ ज़रूरत पड़ी नहीं कि हम कहीं और जाके रहते या फिर मतलब जगह कम पड़ती। बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ है। यहाँ पर सोनू और मैं थे, दूसरे रूम पे जो है मेरी जो मौसी की बेटियाँ हैं दोनों, दीदी और सोनी, वो थे, और एक में मामी लोग थे, एक में मौसी और मेरी मम्मी थी, और एक पूरे हॉल में जो है मामा जी लोग थे। मतलब सबको भरपूर जगह मिली और बहुत अच्छा लगा। पूरी फैमिली इतने टाइम बाद, मतलब गौतम की शादी के बाद अब मिले हैं, तो इतना अच्छा लगा। और मौसी के घर ना मैं मतलब बचपन में आई हूँ, तो मेरे ना सच बताऊँ तो मुझे इतना मेमोरीज नहीं है, मुझे इतना ढंग से कुछ याद नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे वो रेंट पे थे, और अभी ये तो उन्होंने अभी अपना घर नया ही बनाया है यहाँ पे। लेकिन इतना खूबसूरत घर बनाया सच में, मतलब मैंने मौसी को तो नहीं बोल पाई वहाँ पे, क्योंकि इतना टाइम लगा। लेकिन मैंने लोगों से, जब जो भी मौसी के घर जाता था ना, हर कोई बोलता था कितना प्यारा घर बना रखा है मौसी लोगों ने। और अब जब मैंने अपनी आंखों से देखा है तो मुझे खुद लगा सच में, मतलब यहाँ पे इतना प्यारा सा घर जो देहरादून में भी देखने को कम ही मिलते हैं, बहुत अच्छे से बनाया है ये। तो यहाँ पे ना हम लोग अब रेडी हो रहे हैं, नहा गए हैं, और यहाँ पर जो है साड़ी वगैरह पहन ली थी। और ये वाली साड़ी ना आपने मुझे गौतम के शादी पे सजेस्ट करी थी हल्दी हाथ में, कि पूजा आप ये वाली साड़ी पहनना, लेकिन मैंने दूसरी वाली पहन ली थी, क्योंकि ब्लॉग बाद में गया था ना, तो इस वजह से तब तक मैंने पहन ही ली थी दूसरी साड़ी, वो भी बहुत अच्छी है, ये भी बहुत अच्छी है, तो मैंने ये वाली साड़ी पहनी। आज आशी भी रेडी हो गई है, और आशी भी बहुत प्यारी लग रही है आज। उसको उसने वही गौतम की शादी में जो इयररिंग्स वगैरह पहने थे, मांग टीका वही लगाया है। और यहाँ पर बस हम लोग अपना रेडी हो रहे हैं, उसके बाद लोग जाएंगे, और बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं आपको सच बताऊँ, मैं जो ये वीडियो एडिट कर रही हूँ ना इस टाइम पे, मुझे इतना ज़्यादा वहाँ की याद आ रही है, इतना मन लगा वहाँ पे, और मुझे सच्ची में वहाँ पे रहकर ना ऐसा लगा जैसे मैं अपने घर पे रह रही हूँ। और ये बात मैं नहीं बोल रही हूँ, हर कोई यही बोल रहा है कि मौसी के घर में जाकर ऐसा लगा जैसे हम अपने अपने घर में रह रहे हैं। मतलब बहुत ही अच्छा था। एक तो मतलब होता है कि हमारी मौसी, खैर वो तो है ही माँ की तरह है, तो अच्छा लगेगा ही, लेकिन एक होता है ना किसी को कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम लोग मतलब वहाँ पे रह लेंगे या कुछ अलग सा लगेगा। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा लग रहा था हम अपने घर पे ही रह रहे हैं। मेरा कुछ रहेगा, काजू कुछ है, हाँ मेरा मेरा है, तेरा तेरे डब्बे में है। तो टाइम हो गया अभी सुबह के 9:30 हो गए, और हम लोग रेडी हो चुके हैं, मतलब हो रहे हैं धीरे धीरे, बस मेरे को पल्ला लगाना है, बाकी वैसे रेडी हो चुके हैं। और ये जूड़ा बनाया है पूनम दीदी ने, बहुत अच्छा बना रखा है, तो उनसे मैंने बनवाया, और बस मेकअप वगैरह हो गया है, अब चलेंगे, क्योंकि जहाँ पे हल्दी हाथ होगा ना वहीं पे अभी वो भी है, ब्रेकफास्ट भी है, तो वहाँ जाना है, ब्रेकफास्ट होगा उसके बाद जो है हल्दी हाथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो बस यहाँ पे सोनू भी रेडी हो रही है, तो आशी है वहाँ पे है, और आशी चलेगी है मामा जी लोगों के साथ, आरोही के साथ, और दीदी की बेटी है उसके साथ चलेगी है वो, तो नाश्ता कर लेंगे फटाफट से। बस हम मैं सामान संभालती हूँ, सोनू थोड़ा बाल बुल बना रही है, और फिर हम लोग चलते हैं, और आपको दिखाऊंगी यहाँ के वो
क्या बोलते हैं हल्दी हाथ जो है, पहाड़ी हल्दी हाथ हमारा। बस मेरे को पल्ला ये ना पिनअप करना है और फिर चलते हैं। और उसके बाद मतलब आज न्योतेर होता है ना जो, वो है आज न्योतेर है, तो रात को जो है वो कॉकटेल वगैरह भी है और कल मेहंदी थी तो वही है। चलिए लो अभी, हाँ अभी तैयार हो रही है, अभी पूरा हुई नहीं है। सिया हाय कर दो। तो सिया आपको बहुत सिंपल लग रही होगी, क्योंकि सिया बिल्कुल नहीं मानेगी। मैंने इसके लिए वो ला रखा था जो फ्लावर वाले वो होते हैं, कुछ भी नहीं कर रही, कुछ भी नहीं, इसको शौक ही नहीं है। आशी अच्छे से रेडी हुई है, आशी को दिखाऊंगी। ये भी अच्छी लग रही है लेकिन इसने कुछ करा नहीं, करती नहीं है इसलिए। तो उसका मेकअप कर रही है, तो चलिए सामान, हाँ मैं सामान संभालती हूँ, अभी चलते हैं फिर वहीं पर मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बाहर आ गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे मौसी लोगों ने सारा का सारा अरेंजमेंट करा हुआ था, वहाँ पे जा रहे हैं। तो वहीं पे हल्दी हाथों का, यहाँ पे आशी और सिया की मैं फ़ोटोज़ वगैरह ले रही थी, मतलब वीडियोस ले रही थी। तो मैं उसको बोलती थोड़ा दूर से खड़े हो तब अच्छे से दिखेगा। तो ये आशी है और बस अब चलते हैं वहीं पर जहाँ पर प्रोग्राम होना है। और आपको पता है गढ़वालियों में जो हल्दी हाथ का प्रोग्राम होता है बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि पूरा गाँव आता है, या गाँव हो चाहे शहर हो, मतलब सबके सब हल्दी हाथ करते हैं, तो बहुत टाइम लग जाता है इन चीज़ों में। तो इसलिए जब जितना जल्दी हो सके, सबका ये था कि जल्दी से जल्दी हो जाए। और आप सामने जो घर देख रहे हो ना, बड़ा सा घर, ये मेरी मौसी का ससुराल है, बहुत प्यारा। जब मैंने रात को उसको देखा ना, ये तो बिल्कुल महल की तरह लग रहा था सच्ची में, लाइटिंग बहुत प्यारा लग रहा था। तो सुबह सब सबने मुझे बताया कि ये मौसी का ससुराल है यहाँ पे। ये प्यार भाई फिर छेड़ लो, दो लो। अब ऐसे करेंगे, मैंने ये अब की बार ये बड़े मस्त करा रखे अपने कटिंग, आज लग नहीं रहा वो यो जो हमने अभी सुबह देखी और कल देखी वो नहीं दिख रहे। मामा जी पहले एक वीडियो बनाओ, आज तो बनता है मामा जी, एक वैसी वीडियो बनाऊंगा। अरे बंद करो जरा, एक जगह पूरा देख लो ठीक है। आशी अरे भाई यार क्या खींचनी है, तो यहाँ पे जो है ना अभी स्टार्टिंग हो चुकी है, नाश्ता वगैरह कर लिया है, यहाँ पे अभी हल्दी हाथ की शुरुआत हो रही है। तो जो पांच कन्याओं से पहले हल्दी वगैरह कुटवाते हैं ना, और जो भी टिक तिलक वगैरह लगाते हैं वो सब यहाँ पर होगा। और उसके बाद जो है सोनू मतलब मेरा जो ये भाई है ये आएगा बाहर, फिर सब के सब पूरा का पूरा गाँव हम सब इसको हल्दी वगैरह लगाएंगे। और ये जो व्लॉग है ना ये दो पार्ट में जाएगा आप लोगों के पास, क्योंकि मैंने बहुत लंबा सा वीडियो बनाया है, क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत खूबसूरत मेमोरीज़ है।
क्योंकि मेरे भाई की शादी का हमें बहुत इंतज़ार था, और इसलिए मुझे था कि मैं कुछ भी मतलब सोचा था कि सब कुछ जो जो मेरे से उपाय का उतना शूट करूँगी। ये सोनू यहाँ पर और ये सोनी, ये मेरी मौसी की जो है सबसे छोटी वाली बेटी है, तो ये यहाँ पर हाय कर रहे हैं आप सभी को। तो बस अब जो है मतलब बहुत बहुत ही सच्ची में आप सोचो कि पूजा बार बार एक ही चीज़ बोल रही है, लेकिन सच में मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे जितने भी भाई हैं, चाहे वो मेरी मौसी के बेटे हों, मेरे मामी के बेटे हों, मेरा अपना खुद का भाई हो या कोई भी भाई हो, सब बहुत हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा से स्पेशल हैं। क्योंकि लगता ही नहीं कि गौतम, अगर मतलब मैं बोल कि हम लोग गौतम को राखी बांधते हैं तो गौतम ही हमारा भाई है, नहीं, जितने भी भाई हम चाहे राखी बांधें चाहे ना बांधें, प्यार उतना ही है जितना अपने भाई से है। ये भी मेरे अपने ही भाई हैं और हमें बहुत मानते हैं, सबसे बड़ी बात है कि हमें मानते बहुत हैं, बहुत ज़्यादा। और इस टाइम में मुझे खुद भी इमोशनल सा लग रहा है कुछ, लेकिन सच में हम भाई बहनों में टचवुड बहुत प्यार है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं भाई लोग, बहुत प्यार भी देते हैं। इसलिए जब ये ब्लॉग एडिट कर रही हूँ ना, तो बहुत सारी मेमोरीज है, वही दिन याद आ रहा है। और सच बताऊँ तो मेरा आने का मन भी नहीं करता, मेरा किसी का ही मन नहीं करता, जहाँ पे प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है, वहाँ से आने का मन नहीं करता है ना। वही मेरी मौसी तो काफ़ी रोक रही थी, लेकिन फिर आना ही था, क्योंकि बच्चों के स्कूल थे, मुझे पता ही था इनकी छुट्टी पड़ने वाली है 10 दिन की, नहीं तो शायद मैं रुक भी जाती, लेकिन कोई नहीं, कभी मौसी इधर आएंगी तो हमसे मिलने ज़रूर आएंगी, या हम लोग वहाँ पर जाने का प्लान ज़रूर से करेंगे। आरोही देख, इस्माइल सोनी देख, वाला जो ब्लॉग है ना यहीं पे एंड कर रही हूँ। इसके बाद आपको सेकंड पार्ट मिलेगा जहाँ पर हल्दी हाथ स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मैं कुछ भी कट नहीं करना चाहती थी, मैं चाहती थी सारी मेमोरीज मैं इसमें कलेक्ट करके रखूँ। तो चलिए मिलूंगी न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।